कोमल को डिजर्व नहीं करते हैं। मैं डिजर्व नहीं करता तो कौन करता है? तो अगर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हाथी जो कि बार बार कोमल के सामने अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग जो समझ रहे हो वो सब कुछ झूठ है, मेरी और कायनात की बेटी नहीं है वो, अहमद और कायनात की बेटी है, लेकिन कोमल तो सिर्फ अहमद पर ही यकीन करती है। पता नहीं अहमद ने कोमल को क्या खोल कर पिला दिया कि कोमल अहमद के अलावा कुछ और कहना भी नहीं चाहती, वो हाथी की बात ही नहीं सुनना चाहती। उसे ये लगता है कि हाथी ने उसे धोखा दिया, हाथी ने उसे शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं की क्योंकि वो कायनात से मोहब्बत करता था, कायनात और उसकी बेटी की वजह से उसने शादी नहीं की, लेकिन ये सब कुछ झूठ है, ये तो अहमद और कायनात की ही बेटी है। हादी ने तो सिर्फ इंसानियत की खातिर कायनात की हेल्प की थी और वह सब कुछ उठा पड़ गई है हादी पर ही। हादी पर तमाम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं हादी की, किसी बात पर किसी कोई भी हादी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो अब हादी ने भी फैसला कर लिया कि वह अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा जहाँ पर उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती, उसे हर वक्त ताने दिए जाते हैं और साथ साथ उसकी बात पर भी यकीन नहीं किया जाता। तो हादी अपनी मोम और अपनी बहन को लेकर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे और कोमल अहमद से बार बार कहेगी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे दुबई जाना है वापस। लेकिन अब अहमद की सच्चाई भी कोमल के सामने आ जाएगी, जो 80 लाख उसने दिए थे नए बिजनेस में लगाने के लिए वो तमाम पैसे डूब चुके हैं। इसी वजह से तो अहमद वापस आया है। अहमद कोमल से कहेगा कि अपनी फैमिली से और पैसे मंगवाओ ताकि मैं अपना और तुम्हारा वीज़ा लगवा सकूं और हम लोग यहाँ से जा सके जल्द से जल्द। लेकिन कोमल साफ साफ इनकार कर देते हैं, कहती है मैं अपनी फैमिली से तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं मंगवाने वाली। तो व्यूअर्स आपको लगता है क्या कोमल और अहमद की डिवोर्स हो जानी चाहिए या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।